हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवास डिज़ायर। फ्रेंड, ये आपके सामने में है, ये कोलकाता क्ले पॉट थिक वाला मेरा स्टॉक का जो है वो है। ये हाफ बेक्ड है और कम स्मोकी है फ्रेंड, नॉन स्मोकी तो नहीं बोल सकती, हल्का स्मोक का धुआं एक साइड से लगा हुआ है और इसमें से देखिए सूखा है, कैसे पाउडरी पाउडरी निकल रहा है। तो ये फ्रेंड बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अर्थी आप लोग के पास जा रहा है। आप लोग खुद समझ रहे हो कि कितना टेस्टी है ये कोलकाता क्ले पॉट। बिल्कुल मिट्टी की खुशबू आती है फ्रेंड, और एक टुकड़ा मैंने रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी का भी लिया है। इसका मेरी वजह ये है कि मैं आपको थोड़ा कलर के बारे में बताऊँगी, दोनों क्ले के बारे में। देखिए फ्रेंड, इसका कलर ये भी पूरा रोस्टेड हुआ हुआ है, भट्टी में पका हुआ भी है, लेकिन हमारा जो कोलकाता क्ले पॉट है ये भट्टी में बना है, लेकिन यहाँ मेहनत आता है हमारा कुहार भाई का। तो फ्रेंड इसका कलर देखिए, रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी का, और इसका कलर देखिए, ये कलर बहुत डिफरेंस है फ्रेंड, आप समझ सकते होगे। क्योंकि ये जो कुहार भाई हमारा बनाता है ना फ्रेंड, उसका वो इसलिए ऐसा बना सकता है, इतना अर्थी इसलिए बना सकता है क्योंकि वो खुद भी छोटे में मिट्टी खाता था। अभी भी फिलहाल उसकी वाइफ या वो भी मिट्टी खाते हैं वो लोग भी, तो वो लोग को मालूम होता है कितना पकाना, कितना कितना आँच देना, कितना स्मोकी। तो वो मालूम है कि अगर कोलकाता क्ले पॉट को ओवर बेक्ड कर दोगे आप, ठीक है, तो ये इस कलर का हो जाएगा, जो आप देखकर ही समझ जाओगे। फ्रेंड, मैं आपको समझाने का मेरा मोटिव अलग है। देखिए कितना सॉफ्टली ये टूट गया इतने मोटे होने के बाद भी, और इसका कलर देखिए मुल्तानी मिट्टी का। मैं आपको बहुत तरीक़ा से समझा रही हूँ फ्रेंड, आप सिर्फ वीडियो में भी देखकर समझ जाओगे कौन सा कोलकाता क्ले पॉट सॉफ्ट अर्थी है, क्योंकि ये हमेशा कलर पर डिपेंड आता है फ्रेंड, ठीक है। आप ये देखिए मेरे हाथ में ये सॉफ्ट अर्थी कोलकाता क्ले पॉट है, इसका कलर देखिए फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि ये हाफ बेक्ड है, हल्का स्मोकी है, ठीक है। मैं आपको उसमें पानी डालती हूँ जस्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि कोलकाता क्ले पॉट कभी भी लाल नहीं होता, ठीक है। देखिए ये टुकड़ा मुल्तानी मिट्टी का कैसे रेडिश निकल गया एकदम बिल्कुल, और ये देखिए रेडिश नहीं है ये मिट्टी का क्ले पॉट जो है, इसका कलर देखिए और उसका कलर देखिए फ्रेंड। तो इसका देखिए कलर, ये हार्ड है, अभी तक हार्ड है, इसको मसलने से कुछ नहीं इसमें निकल रहा। और ये जो मेरा कोलकाता क्ले पॉट है ये भी कच्चे मिट्टी जैसा नहीं है, इसको मसलने से कुछ भी नहीं निकल रहा है, लेकिन ये सॉफ्ट अर्थी है, हाफ बेक्ड है, लेकिन कच्चे मिट्टी जैसा कुछ नहीं निकल रहा है इससे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर ये वैरायटी ऑफ क्ले होता है फ्रेंड, कोलकाता क्ले पॉट में भी वैरायटी होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट अर्थी है, इसमें कुछ हमारे कस्टमर को स्मोकी पसंद है, कुछ को कच्ची मिट्टी जैसा पसंद है, कुछ को हार्ड क्रंची पसंद है, किसी को हाफ बेक्ड नॉन स्मोकी पसंद है, तो ऐसा होता है फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा कोलकाता क्ले पॉट थिक वाला पसंद आ रहा है, तो ये उन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है जिन लोगों के टेस्ट के हिसाब से उनको मिल रहा है, ठीक है। अब हार्ड क्रंची के पास जिनको पसंद है उनके पास मेरा ये वाला सॉफ्ट बेक्ड वाला चला गया, तो वो बोलेंगे कि नहीं दीदी आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि मैं पहले ही आपका टेस्ट पूछती हूँ, और ये मैंने ही बोला कि पहले आप अपना टेस्ट बताओ तो ही मैं यहाँ से मालिशू करती हूँ, ठीक है। तो यही मैं आपको कलर बता रही हूँ, देखिए इतने मैंने टुकड़ा टुकड़ा तोड़ा कोलकाता क्ले पॉट का, इतना थिक वाला, कितना सॉफ्ट और अर्थी है फ्रेंड। खुशबू तो बहुत अच्छा आ ही रहा है, ये तो जाहिर से बात है, लेकिन ये जो आप रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी का टुकड़ा को देखिए, मेरे हाथ के नीचे में नज़र आता होगा, ये कितना रेड है, देखिए ये कितना रेड है, इसमें पानी का कुछ भी असर नहीं हुआ, ये कुछ सॉफ्टनेस में कुछ नहीं आया, ठीक है। तो ये आपको देखिए कलर देखिए फ्रेंड, मैं आपको बार बार कोशिश कर रही हूँ समझाने का कलर में, आप ऐसे कलर से समझ जाओगे कौन सा कोलकाता क्ले पॉट या कौन सा क्ले पॉट सॉफ्ट अर्थी है, ठीक है फ्रेंड। तो यही मेरा कोशिश है आज का वीडियो बनाने का, ठीक है। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो आपको मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मतलब की बातें भी नहीं कर रही हूँ, मतलब की बातें यह है कि मैं आपको आज नॉलेज दे रही हूँ कि आप खुद ही कोलकाता क्ले पॉट को रंग से पहचान लोगे कि वो कोलकाता क्ले पॉट आपके खाने लायक है या नहीं है, आपके टेस्ट के हिसाब से वो है या नहीं है। देखिए ये जो क्रंच का देख रहे हो ना, ये मुल्तानी मिट्टी में खा रही हूँ मैं, तो क्रंच का आवाज़ तो आपको आएगा नहीं, लेकिन ये मैंने खाया, देखो खा रही हूँ, अंदर से अंदर तक पानी नहीं पहुँचा,
ठीक है, तो आप खुद ही समझ जाओगे अगर इस स्टेप में कोलकाता क्ले पॉट पानी की भिजने के बाद में रेडिश रेडिश नज़र आता है, जिस तरीके से मुल्तानी मिट्टी नज़र आ रही है, तो वो हार्ड होगा। और जिस कलर का ये लग पड़ा हुआ है ये सामने में, अगर इस कलर का पानी में भिजने में आता है तो ये सॉफ्ट और अर्थी होगा। तो ये मैंने आपको पूरी अपनी तरफ से कोशिश किया आपको समझाने का। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया पानी में आने के बाद, तो इसमें खुशबू भी आता है। और फ्रेंड जो पैकेज जाता है उसमें कागज़ में या प्लास्टिक का पैक, बबल रैप जो भी जाता है डब्बे को, खुशबू हो जाता है। अब फ्रेंड प्ले हल्का सा क्ले पॉट को अगर वॉश करो तो वॉश करो, ये तो कड़क धूप में आप 2 से 3 दिनों के तक रख दो, फिर उसके बाद आप क्रंच करो, आपको टेस्ट आएगा, क्योंकि मिट्टी है ना फ्रेंड जल्दी अब्जर्व कर लेती है खुशबू। ओके फ्रेंड, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।